हमने जब लोगों से बात की थी शो को करने से पहले कि यहाँ नशे की एक बड़ी समस्या है, तो कुछ लोगों से ये भी जान लेते हैं क्या सचमुच यहाँ नशा बढ़ता जा रहा है भाई साहब? क्या आपको लगता है कि आजकल यहाँ के युवाओं में नशे की समस्या? कुछ नहीं है कैथल शहर में, आप ही के लोगों ने बताया, हम नहीं क्या ऐसा कैथल शहर में कोई भी नशे वाला काम नहीं है। कैथल शहर से बाहर तो कोई कह नहीं सकता, मैं कैथल शहर में ऐसी नशे वाली कोई भी आदत नहीं है, मतलब किसी तरह की कोई नशा नहीं है, कोई दिक्कत आउटर मैंने जब यहाँ के लोगों से शहर के लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि आज का जो युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है, और कैथल में ऐसा लगता है कि हर युवा नशे की तरफ, तो इसे लेकर इस तरफ देखो जी, इस मुद्दे में हम ये बात कहेंगे, जितने हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तो ये हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों को संभालें, उन्हें समझाएं कि वे इन कामों में मत पड़े। जो नशा है, नशा तो जिंदगी बर्बाद करने के लिए है, शरीर को खत्म तो करता ही करता है ये नशा, और हमारे समाज में बदनामी का कारण भी ये नशा बनता है, तो बच्चों को भी चाहिए, बच्चों के माँ बाप को भी चाहिए, या अपने बच्चों को सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से क्यों नहीं, अगर डर नहीं है एक लोगों में, अगर सरकार की तरफ से हम बात करते हैं तो जहाँ तक नशे की बात है, ऐसा तो है नहीं कि नशा कोई यहाँ खड़ा होकर शर्म लेता, आपको भी मालूम है ये बातें, जब नशे की बात आती है, जो ऐसे बच्चे हैं एडिक्ट हैं, जो जो नशे का इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या नशा लेते हैं किसी भी रूप में, तो वो शर्म तो खड़े होकर लेते नहीं। कुछ लोग ऐसी जगह पे जाते हैं, सुनसान जगह है, बहुत है। देखिए अगर कोई बेचता है ऐसी चीजें तो जिम्मेदारी किसकी बनती है आपके साथ? प्रशासन, प्रशासन तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रशासन और मुस्तैद हो तो सुरक्षित हो सकता है, मतलब आपको लगता है इस बात पे हम सहमत हैं, अगर प्रशासन कुछ और प्रयास करे ज्यादा तो इस पे भी अंकुश लगाया जा सकता है, इस पे भी अंकुश लगाया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे और पीछे लोग हैं, नहीं मैं बिल्कुल चलूंगा, वहाँ महिलाओं की एक बहुत बड़ी, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ, यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं और भजन संध्या कर रही हैं, मैं सीधा उधर ही चलता हूँ ज्यादा बेहतर, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं उन्हीं के पास जाऊंगा सीधा, माफ कीजिएगा मैं आप लोगों के पास आया हूँ थोड़ी देर के लिए, आपके भजन मैं चाहूंगा कि अगर दो मिनट के लिए मैं चाहूंगा ये भजन अगर आप रोक दें प्लीज, माफ कीजिएगा मैं क्षमा चाहता हूँ, भगवान का आप नाम ले रहे हैं। आप लोग यहीं कैथल के रहने वाले, तो आप लोग घर चलाती हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, आपको लगता है कुछ दिक्कतें हैं जो बदल जाए तो ठीक हो जाए, या आपकी परिवार के लोगों को लेकर कुछ कुछ दिक्कतें आपको नजर आती हैं? गली में रहते हैं, जी नंबर गली से हम जी, जी जी जीवन में तो यही परेशानी है, गली में पशुओं को बांधते हैं जी, और हमको बहुत दिक्कत आती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छी समस्या है कि अगर व्यवस्था हो, अगर सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिनके पास अपने जानवर है उन्हें बांधने की कोई जगह हो जाए। आप ये कहते हैं, आप आंटी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं आंटी, ये एक और चीज मैं अपने दर्शकों को कह दूं कि जब तक हमारे देश की महिलाएं नहीं बोलेंगी तो शायद तब तक कुछ बदलेगा नहीं, जब तक कुछ आगे नहीं आएगा। जी 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 बनवा दी, इतना काम बहुत करा दिया जी, और बस पसंद बांधने छोड़ दे लो। अच्छा कोई और लाइट की, आपको सड़कों पे चलने में महिलाओं की, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया कि महिलाएं रात को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, या थोड़ा बहुत अपराध है तो आपको लगता है? नहीं लेकिन आप नहीं आती, आपके बच्चे तो आ सकते हैं, आपके बच्चे तो आ सकते हैं, नहीं आ सकते बच्चे तो आ सकते हैं, देखिए आप अपने बच्चों के लिए तो करेंगी, तो आपको नहीं लगता? आप रात को आप कहती है मैं घर के दरवाजे में बंद हो जाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं, लेकिन आपके पड़ोस में रहने वाली एक महिला, उसकी बेटी अगर पढ़ के आएगी, ठीक है ना, हमें अगर हम इसी तरह से असली मुद्दों को मजाक में उड़ाएंगे तो लोग, वो नेता, वो लोग हमारे साथ वो अपराधी मजाक कर जाएंगे जिनसे शायद हमें नहीं होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि हमें चीजें बदलनी पड़ेंगी, चीजें ठीक करनी पड़ेंगी? बदलने पड़ेंगे बेटा, सारे अच्छी चीज दो और माड़ी लो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत, मैं यहाँ पे मैं एक मिनट बेटा मैं इधर से आना चाहूंगा, माफ कीजिएगा मैं आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ, सॉरी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आजकल की जो बेटी है बिल्कुल अशिक्षित नहीं है जी, वो अकेली घूम नहीं सकती, कॉलेज अकेली जा नहीं सकती जी, इतना कुछ फैला एक लड़की, कहीं हम भी एक लेडीज है ना जी, हमारे के आते जाते लोग मछलियाँ कसते हैं देखते हैं, गोद नहीं डाल सकता भी एक और सिस्टम। अच्छा आपको नहीं लगता कि हमारे पास एक ही अधिकार होता है? अगर हम पुलिस को नहीं बदल सकते, हम समाज को नहीं बदल सकते, हम कोशिश कर सकते हैं अपने आप को बदलने की, हमारे पास एक अधिकार होता है जो हर 5 साल में हमारे पास आता है, वोट देने का अधिकार। अगर हम वोट देते हैं तो शायद, अगर एक अच्छे आदमी को वोट देते हैं तो वो चीजें बदलता है, हमारे विकास के लिए काम करता है, तो आपके दिमाग, आपको लगता है कैसा आदमी होना चाहिए जिसे वोट दिया? किसी का नाम नहीं जानना चाहता मैं,
मैं किसी भी एक्स वाई जेड का नाम नहीं पूछना चाहता, लेकिन उसकी तस्वीर कैसी होनी चाहिए, कैसा अच्छा हो बुरा हो। नहीं, हम कैथल की बात कर रहे हैं, देश क्यों तो सुरक्षित अलग चीज होगी। सुरक्षित रखने के अलावा और जो आपको लगता हो कि ये तमाम चीजें करें तो शायद हम उसके लिए ज्यादा, तो बहुत कुछ रखा जो हो चुका है जी, हाँ, जो हो चुका बहुत कुछ रखा। बस थोड़ी सी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर आपको समस्या नजर आती है। बिल्कुल बेटा, आप पढ़ती हैं तो आपको तो ज्यादा पता होगा, आप यहीं कैथल में किसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जैसे लड़कियों को हर फील्ड में कुछ ना कुछ पैसों की कमी होती महसूस है, आगे वो नहीं पढ़ पाती क्योंकि माँ बाप ज्यादा पैसा नहीं लड़कों के ऊपर खर्च करना चाहते क्योंकि वो सोचते हैं लड़कियों के आगे कुछ काम आएंगे, लेकिन लड़कियों को भी लड़कियों के ऊपर भी माँ बाप को पैसे खर्च करना चाहिए। मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बट कुछ पैसे वाइज हमें, अब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहती थी, मेरे को अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि कुछ घर की कंडीशन भी ऐसी हो गई। क्या गवर्नमेंट स्कूल में आपको नहीं लगता कि इतनी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर जो सरकारी स्कूल भी हैं उसमें इतनी व्यवस्थाएं हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों को फेल कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, टीचर्स भी कुछ भी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर कुछ भी नहीं है। अच्छा, कैथल के स्कूल में गई हैं आप कभी? हाँ जी, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी। तो कैथल के स्कूलों की भी यही हालत लगती है आपको? नहीं, दसवीं तक मैं जिस स्कूल में पढ़ी बहुत अच्छे टीचर्स है उसमें, बट गवर्नमेंट वाइज में कुछ टीचर्स नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको लगता है शिक्षा अगर बढ़ जाए तो आपको दिक्कत है। अच्छा, आप रात को 10 बजे घर से अकेले निकल सकते हैं कैथल में? कैथल इतना सुरक्षित, सुनिए यहाँ पर लोग बहुत सारे हैं इस वक्त, बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो कहते हैं जी इतनी रोशनी तो दिन में नहीं होती जितनी रात को होती है। नहीं निकल सकती रात को, नहीं निकल सकती। जी जी जी, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक मिनट, मैं माफ कीजिएगा, मैं हाँ जी, इतनी आती तो रोशनी कहाँ से होगी? कैसे नहीं रहती आप? अभी अभी हम आने लग रहे थे आपकी न्यूज देख के जी, नगर से आप लगे यहाँ। जी जी जी, पता क्या होया, एक लड़का जा रहा था बाइक पे, ये बोला हमको नंबर देगी अभी करेगी तो रात को, बाहर के लोग ही हैं जहाँ से बाइक में जाने के बाद 8 बजे के बाद नहीं जा सकते तो रात को कैसे निकलेगी? और लाइट की जो बात कर, अभी मेरी बहन खड़ी थी आमने, 10वीं क्लास स्कूल से टाई है, एक मैं और दो मेरी बहन है। जी, जी। मम्मी पापा हमारे गुजर रहे हैं स्कूल, अकेले स्कूल में से टाके हम दोनों बहन काम करने के लिए आते थे, मैं शादीशुदा लड़की हूँ, आज नहीं कुल 1 महीना होगा एप्लीकेशन दे हुए मेरे को, अब लग पुलिस वाले ने किसी ने मेरी सुनाई नहीं करी, ससुराल वाले मेरे इतने गंदे हैं, पहले मेरी मार दी, आपको लगता है करेंगे क्या सरकार करेगी? कुछ नहीं करते, हमारे जिस टाइम पे हमारे घर पड़े हैं, हम इतने गरीब बंदे हैं ठीक, हमारा घर देखोगे नहीं जाके वैसे ही रह जाओगे आप, मेरे पिताजी किसी ने मार दिए थे, अब लग उसका केस भी बंद नहीं होया। चलिए चलिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये लाइट की बात, लाइट लगी भी नहीं जाती शहर में, आज पूरी रात की लाइट जा रही है, अब लगी भी लाइट नहीं आ रही। बिल्कुल, यहाँ भाई साहब बहुत सारे लोग थे, मैं इनसे पूछता हूँ, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपके पास आता हूँ, भाई साहब कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे? आप भी नहीं बोले। ये है हमारे कैथल की जनता जो बोलना ही नहीं चाहती, यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वक्ता है, यहाँ महिलाएं समस्या बता सकती है लेकिन पुरुष नहीं बताना चाहते, शायद पुरुष को कहने का मन ही नहीं है। जी, खड़े होंगे हमारे पास जो हमारा फायदा उठा रहे होंगे, अब सबके सामने कह रहे हैं कोई हमारे साथ नहीं सकता, जब सही हो जब गलत हो, लायक नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, ये कहते कैथल तो बहुत खूबसूरत हो गया, लोग क्या हम बोलने लग रहे हैं तो किसी लायक नहीं है ये कैथल वाले, कहीं हंगामा होगा नहीं, ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, किसी को छुड़ाने आते। भाई अब तो कम से कम मैं आपके पास आऊंगा। बिल्कुल भाई साहब, आप बोलेंगे कुछ? यहाँ इतनी सारी समस्या बता रहे हैं, वो कहते हैं लाइट नहीं आती, आपके सामने ही है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ और महिलाएं कह रही हैं सुरक्षित नहीं है महिलाएं क्या बैठे हैं, और आज आप यहाँ पर लोग कहते हैं लाइट आती, आपको लगता है? नहीं, वैसे तो जब से हमारे ये रणदीप जी है मेरा सामने जो भी है, मतलब आप कहते हैं जो सुधार हुआ है सुधार, लेकिन कुछ कमी रह गई, कभी तो हर सरकार में रहती है, लेकिन कंपैरेटिवली इतना काम हुआ है ना, आज तक नहीं हमने काम देखा। आप हमारे कैथल का एक बारी राउंड, मैं राउंड लगा चुका हूँ, मैं सुबह से कैथल हूँ सर। हाँ तो अच्छा, ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं, झूठ इनकी अपनी जो है पर्सनल जो प्रॉब्लम, लाइट तो पर्सनल नहीं है, वो कहते हैं बिजली नहीं आती, आप कहते हैं आती, ये माता बहने समझ यहाँ शहर की मतलब बचिंदे हैं। मैं आप लोगों से कहूंगा प्लीज थोड़ा सा अगर आप चुप हो जाए, प्लीज प्लीज, शहर की 24 घंटे में 24 मिनट भी लाइट जाती नहीं है, 24 मिनट भी लाइट नहीं जाती, आपके घर लाइट जाती है? हाँ या ना, कितने घंटे?
तीन चार घंटे आंटी जी आते हैं कितने घंटे जाती है बिल्कुल तीन चार घंटे बाइक जाती है। अब मैं किसे सच मानूं यहाँ के पुरुषों को या यहाँ की महिलाओं को? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल आज सुबह से यहाँ से दो घंटे लाइट गई है जी, एक एक घंटे लाइट जाती है और कंप्लेन लिखवाने जाते हैं, कंप्लेन का कोई ध्यान नहीं होता हमारे और लाइट के प्रति रात को भी रात को दो घंटे लाइट जाती है। ये युवा शक्ति, मैं आप लोगों से कहूंगा अगर आप मुझे थोड़ा सा गैस दें तो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। की तो जो भी नहीं है जिस मर्जी फील्ड में चले गए, अगले में यहाँ पर मैं एडमिशन लेने के लिए लोगों को एडमिशन ही मिला जनरल वेज से। एडमिशन के बाद मैं आप लोगों से कहूंगा थोड़ा सा अगर आप शांत हो जाए तो यहाँ चीजें अच्छी हो जाएंगी। मेरा भाई भी फार्मा कर चुका है तो उसके लिए जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। मतलब आपको लगता है कि यहाँ जो बातें की जा रही हैं जी, युवाओं को तो हमने शिखर पे बिठा दिया, सड़कें बड़ी खूबसूरत बना दी, सड़कें करिए सर, जो भी नहीं है तो सड़कें क्या करेंगे? मतलब आप यहाँ का युवा पढ़ने के बाद खाली है, खाली है तो क्या चाहते हैं? आप वोट देंगे तो क्या चाहते हैं? सर जॉब तो लगे, कम से कम किस मर्जी फील्ड में लगे, छोटी लगे बड़ी लगे कुछ तो लगे। लेकिन लगातार पूरे हरियाणा में जितनी नौकरियां लगती हैं वो मिलती तो होंगी किसी ना किसी को, तो मिलती होंगी तो पैसे जिनके पास जाते हैं उनके पैसे जाते हैं उनको मिलते हैं। दो साल मैं आपको भी जानना चाहूँगा, सात साल की 1 नवंबर से करने की बजाय अभी 1 अगस्त से कर दी है।